मुझे देख रही थी। Hey guys, welcome to my channel. My name is Devata Upadhyay and today I will tell you what type of questions they ask in telephonic round in Air India. So without any delay, let's start the video. So guys, जो मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है कि मैंने इंटरव्यू दिया था एयरथ ऑफ फैपको लखनऊ में। तो एयरथ ऑफ फैपको मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे मेल नहीं, मतलब उन्होंने वहाँ पे बोला था कि आपको मेल जो है वो विद इन फ्यू डेज रिसीव हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे मेल काफ़ी लेट से रिसीव हुई, काफ़ी लेट से नहीं, फैब में ही हो गई थी, 23rd of Feb को मुझे मेल रिसीव हुई। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो मेरे कांटेक्ट में थे, उनको मेल आई गेस मार्च में रिसीव हुई। बहुत और ऐसे मैं वीडियोस देखती थी जो यूट्यूब पे, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो बता रहे थे कि हाँ मैंने फैब में इंटरव्यू दिया है। और क्योंकि उस दिन लखनऊ में भी था और कोलकाता में भी था, नहीं बारह को था शायद कोलकाता में, तो वो लोग भी कह रहे थे कि मुझे मेल नहीं आ रही है, मार्च तक नहीं आई थी बहुत लोगों को मेल। तो भाई एक साथ कई जगह पे इंटरव्यूज़ होते रहते हैं, थोड़ा सा हो जाता है डिले, तो प्लीज़ पैनिक मत हो जाया करिए कि हाँ उन्होंने आपको बस ऐवे ही सिलेक्ट कर लिया और वो आपको मेल नहीं दें सेंड कर रहे हैं, पता नहीं क्यों लेट कर रहे हैं। वो ज़रूर, अगर उन्होंने आपको सिलेक्ट किया है वो डेफिनेटली आपको मेल सेंड करेंगे। तो प्लीज़ बहुत परेशान मत हो जाइए, क्योंकि जब आप परेशान होते हैं, मेरे अभी मैं भी परेशान होती हूँ ना, मेरी मम्मी पहले परेशान हो जाती हैं, उन्हें वो पहले ही परेशान होकर बैठ जाती हैं। वो भी बहुत परेशान थी जब मुझे मेल नहीं आ रही थी। तो अगर आपको मेल नहीं आ रही है प्लीज़ मत परेशान होइए, वो डेफिनेटली आपको मेल सेंड करेंगे। थोड़ा लेट से करेंगे क्योंकि बहुत सारे भाई, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होता है, थोड़ा मेस्ड अप हो जाती हैं चीज़ें, उन्हें भी टाइम लगता है एक साथ इतने इतने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना, मेल सेंड करना, फिर से फर्दर इंटरव्यू कंडक्ट करना और मेडिकल शेड्यूल करना, बहुत बहुत सारे काम होते हैं उनके पास भी, तो थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में। तो प्लीज़ परेशान मत हो जाया करिए छोटी छोटी चीज़ के लिए, वो करेंगे अगर आप सिलेक्ट, थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए। फिर उसके बाद में जब मुझे मेल रिसीव होती है, उसमें क्या लिखा होता है कि आपका एक टेलीफोनिक राउंड होगा, उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ऑनलाइन पीएचडी के लिए। बोलती हूँ ठीक है, बट कोई भी डेट टाइम उसमें नहीं मेंशन होती है कि आपका इंटरव्यू कब होगा और कब नहीं होगा। तो सिलेक्शन हुआ एयरथ ऑफ फैब को, मेल आई मुझे 23rd of Feb को, और टेलीफोनिक कॉल मुझे याद नहीं है किस दिन आई थी, बट हाँ मुझे मार्च में आई थी इतना पता है। तो फिर आती है, इस यही टाइम होता है शाम का, और बहुत बारिश हो रही होती है उस दिन। तो भाई इतना नेटवर्क इशू होता है और अचानक से कॉल आ जाती है। और मेरे साथ क्या पंगा हो गया था कि जो मैंने रेज्यूमे बनवाने के लिए कैफ़े वाले को दिया था, खुद से नहीं बनाया था मैंने, तो उसमें मैंने और जल्दी जल्दी में, जैसे कल इंटरव्यू है ना, मुझे कल यहाँ से भाई जाना पड़ता है मुझे लखनऊ, फिर वहाँ से मुझे जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए, तो मैं घर से ही रेज्यूमे वगैरह तैयार करके ले जाती हूँ अपना। तो मैं इस टाइम ही गई थी उसके पास कि भाई मेरा रेज्यूमे बना दो, और मैंने उसमें दो नंबर दे रखे थे, आप भी दो नंबर दिया करो। तो मैंने उससे बोला था कि ये नंबर डाल देना, फिर उसने बोला कि आप थोड़ी देर वेट करिएगा मैं बना के दे दूँगा आपको। उसने मेरे मम्मी का नंबर डाल दिया था, पहले जहाँ पे मेल आईडी होती है उसके बगल में नंबर पड़ा हुआ था, उसने वहाँ पे मेरी मम्मी का नंबर डाल दिया और नीचे मेरा नंबर डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो कॉल आई वो मेरे मम्मी के फ़ोन पे आई। तो ये हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा, भाई अचानक से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, आप ऐसे ही बैठ के कुछ भी कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है इंसान, कितना भी अच्छा हो, कितना भी फ्लुएंट हो या फिर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, कहीं ना कहीं नर्वसनेस आ ही जाती है। तो मैं भी बहुत नर्वस हो गई उस टाइम पे। तो फिर मैं जब मैंने कॉल रिसीव किया तो उन्होंने बताया, ओके तो बता तुम्हें पता है कि पीएचडी ट्रेनिंग क्या होती है? मैंने बताया कि हाँ मैम मैंने यूट्यूब वगैरह पे देख रखा है पीएचडी क्या होती है। तो उन्होंने कहा ओके अगर नहीं भी पता है तो मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या होता है पीएचडी ट्रेनिंग। उन्होंने सब कुछ बताया कि हाँ आप कम्युनिकेशन को अच्छा किया जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एनहेंस की जाएगी, ये सब बताया, यही सब होता है इसमें पीएचडी ट्रेनिंग में। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि देवता इंटरव्यू स्टार्ट करें, मैंने बोला यस मैम। तो उन्होंने बोला ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो मैंने इसका आंसर दिया, मैंने उसमें सब कुछ बताया, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वेयर आई एम फ्रॉम एंड कहाँ रहती हूँ मैं। फिर उसके बाद में वो मेरे से सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रही है, व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मैंने बताया कि हाँ मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। तो उन्होंने बताया, पूछा मुझसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके ग्रेजुएशन में, तो मैंने वो बताया। फिर पूछ रही है कि कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है,
वो भी बताया मैंने कौन से स्ट्रीम से हो, ये भी पूछा, लाइक बस वो कम्युनिकेट कर रही थी मेरे से, अच्छे से बात कर रही थी, बहुत ही हम्बल होके बहुत प्यार से बात कर रही थी। बस ये है ना कि मैं उस टाइम पे बहुत नर्वस थी और बहुत नेटवर्क इशू था, बार बार कॉल्स कट जा रही थी, बार बार कॉल कट रही थी और मैं इधर से कॉल कर रही थी, वो उधर से कॉल कर रही थी, जबकि उन्होंने मुझे टेक्स्ट भी डाला कि अगर कुछ ज़्यादा ही नेटवर्क इशू है तो आप बाद में भी मतलब अपना नेम नंबर टेक्स्ट कर दो, आपका फिर इंटरव्यू बाद में भी हो सकता है। तो मैंने टेक्स्ट देखा ही नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई उस चीज़ को लेके, और मैंने सोचा कि अभी ही दे देती हूँ। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने फिर क्या क्वेश्चन किया मेरे से, जब अच्छे से कॉल चलने लगी फिर उन्होंने मेरे से क्या पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैंने बताया कि हाँ मैंने पहले ही बता दिया था उन्हें कि मैं अयोध्या से हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अयोध्या यूपी में पड़ता है, मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने पूछा हैव यू एवर ट्रैवल आउट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो मैंने तो भाई अब ऐसा तो कोई बंदा होगा नहीं जो उत्तर प्रदेश के बाहर ना गया हो, तो मैंने बोला कि हाँ मैं गई हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा कहाँ गए हो आप, तो मैंने बता दिया कि कुछ उस टाइम पे ना आपको रैंडमली कोई कुछ पूछता है तो आपको याद नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है सोचने में कि हाँ यार क्या बताऊँ इससे, अगर क्रॉस क्वेश्चन रिलेटेड पूछेंगे तो मैं क्या बताऊँगी। तो मैंने बता दिया कि हाँ मैं मध्य प्रदेश वो राजस्थान गई हुई थी बालाजी मंदिर। तो उन्होंने फिर मुझसे उससे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन किए कि हाँ क्या चीज़ आपको वहाँ पर अच्छी लगी और किस एज में आप वहाँ पर गए थे। तो मैंने बताया मैं बहुत बचपन में गई थी, इतनी सारी चीज़ें मुझे याद ही नहीं है कि मुझे मैंने वहाँ पर क्या क्या देखी थी। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि विच इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन एंड हाउ विल यू कन्विंस मी टू गो देयर। मेरे से ये क्वेश्चन पूछने में आँखें पड़ी रह गई, तो इसका आंसर मैं क्या दूँ, मैं कैसे उनको कन्विंस करूँगी। तो गाइस वो बस आपसे कम्युनिकेट करना चाह रही है, आपके कॉन्फिडेंस को चेक करती है और आपके वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशंस को भी बहुत वो नोटिस करते हैं। तो प्लीज़ आप अगर नर्वस हो लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करके इंटरव्यू देना, मेरी तरह एकदम परेशान होकर मत देना, ऐसे मैं कांप रही थी पागलों की तरह। तो वैसे भी मैं इंटरव्यू में भी जाती हूँ, पता नहीं क्यों मैं एकदम नर्वस होकर शिवरिंग करने लगती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों हो जाता है, कुछ नहीं तो पैर ही कांपने लग जाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा कॉन्फिडेंट रहा करो गाइस, मेरी तरह नर्वस मत हो जाया करो, सबके साथ है ये, ह्यूमन नेचर है कि आप किसी नए बंदे के सामने बैठे हो वो भी इंटरव्यू के लिए, तो थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाती है हर इंसान को। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिएगा। और यही सारे क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे थे, लगभग पूछे होंगे 10 से 12 क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे थे टेलीफोनिक राउंड में, यही सारे क्वेश्चन थे, बस वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रही थी। फिर जब मैं गई थी नेक्स्ट इंटरव्यू में लखनऊ, ये तो मेरी फ्रेंड थी वो भी सिलेक्ट हुई थी, वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, तो मैंने उससे पूछा कि तुम भी तो सिलेक्ट हुई थी, तो उसने बताया मेरे से कि पहले मेरे से भी इंटरव्यू ही पूछ ली थी, उसके बाद में उन्होंने मेरे से पूछा था कि तुम, वो लखनऊ में रहती है तो तुम लखनऊ के बाहर कहाँ कहाँ गई हो। उसने क्या जवाब दिया, मैं कहीं गई ही नहीं। तो अगर आप कहीं नहीं गए हो उस टाइम पे कुछ नहीं याद आ रहा है तो आप बोल दो, ना बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। बट अगर उस टाइम पे कुछ नहीं याद आ रहा है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर दो कि हाँ नहीं आ रहा है, ना बोल दो वहाँ पे, तो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो उसने भी वहाँ पे बोल दिया कि हाँ मैं कहीं गई ही नहीं हूँ, लखनऊ के बाहर कभी गई ही नहीं। तो मैम भी हंसने लगी, वो चौक के थोड़ा सा पूछे कभी गए ही नहीं आप लखनऊ के बाहर, उसने कह दिया कि हाँ नहीं गया। फिर उससे पूछा उन्होंने कि तुमने लास्ट नाइट कौन सी मूवी देखी थी, और थोड़ा अपने एजुकेशन उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, यही सब पूछा था, और उस मूवी से तुमने क्या सीखा, क्या मॉरल मिला तुम्हें उससे, यही सारे क्वेश्चन बस उससे, मतलब मुझसे भी वो कम्युनिकेट ही करना चाह रही थी, बस कॉन्फिडेंस वो चेक करते हैं बहुत ज़्यादा। आप कॉन्फिडेंट रहिएगा, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, कि आप बोल बहुत अच्छा रहो और कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना। जैसे हम स्कूल में भी स्पीच वगैरह देते थे तो बहुत बच्चे होते हैं कि वो बोलते बहुत अच्छा बट वो नर्वस होकर बोलते हैं और कुछ नहीं बोल पाते अच्छा, कुछ वर्ड्स मिस आउट करते हैं या फिर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बट वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करना आप सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन आप वो प्रोनाउंसिएशन भाई सच में बहुत नोटिस करते हैं, तो आप उसको भी बेटर रखो अपना, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है बहुत बहुत बहुत। तो आप कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली ही ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू दिया था, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, आप मेरा वो ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो उसमें मैं बहुत भाई बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोली थी और उसमें मैं सेलेक्ट हो गई थी। तो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है गाइज़, प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहा करिए जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो,
डर रहा हो, नहीं समझ में आ रहा है उस टाइम पे, कोई बात नहीं, जितना आ रहा है ये नहीं कह रही कि मैं तुम बंद मुंह बंद रखना, भाई मुंह बंद रखने पे कोई सिलेक्ट नहीं करेगा, बोलना है तुम्हें, लेकिन जो आपको आ रहा है आप वो बोलो। अगर वो चीज़ नहीं आ रही, सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है, कुछ वहाँ पर ना आपको कोई डांटने वाला है, ना वहाँ पर आप जैसे बाहर निकल रहे हो वो ऐसा होता ना, हम स्कूल में स्पीच वगैरह देते थे तो ये होता था कि वहाँ पर स्टेज पर अगर हम नहीं बोल पा रहे हैं तो लोग आपस में कहते थे अरे बोलना नहीं आता। मेरे स्कूल में तो ये चीज़ होता था, लेकिन यहाँ पे वो कहीं कोई नहीं जज करने वाला आपको कि आप नहीं बोल पा रहे हो गया, आप PI राउंड हो रहा है, सिर्फ आप हो और HR है सामने, तो किस कोई बाहर जाके ये नहीं कहेगा अरे देखो सिलेक्ट नहीं हुई, बोल नहीं पा रही थी, कुछ नहीं होने वाला, कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। तो इसलिए बिल्कुल भी डरा नहीं करो, जो नहीं आता मैं से बोल दो सॉरी मैम मुझे अभी इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो चीज़ आपको आती होगी, आप उसका आंसर दे पाओगे, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है, जो भी बोलो कॉन्फिडेंट होके बोलो, और ये नहीं कि पूछ रहे हैं आम तो बता दो इमली, ऐसा भी नहीं है कि कॉन्फिडेंट होके इमली बोल डाला, उससे रिलेटेड ही बोलना है आपको, ठीक है। इतना तो आप लोग पता ही होगा यार, क्या मैं बच्चों की तरह समझा रही हूँ, ठीक है, ऐसे मैं अपने छोटे भाई बहन को समझाती हूँ। तो गाइस एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलना है। और अगर आपको वैकेंसीज़ की अपडेट चाहिए तो मैं इसी चैनल पे अपने सारी वैकेंसीज़ की अपडेट देती रहती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वैकेंसीज़ की अपडेट चाहिए। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड आने वाली है इंडिगो के, तो आप मेरी वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस की है, तो आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इससे मोटिवेशन मिलता है सच में, अगर आप लोग तो सब्सक्राइब करते हो ना तो फिर ये होता है मैं थोड़ी दूर से आती हूँ, यहाँ पे थोड़ी शांति है और यहाँ पे मुझे लाइट भी अच्छी मिल जाती है, तो इस वजह से। और एकदम रोड पर घर होने का क्या प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारी बाहर की आवाज़ें आती हैं गाड़ी की हॉर्न वगैरह की, तो अच्छे से वो बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो और थर्ड ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है गाइस प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके बताओगे नहीं ना तब तक ये नहीं होगा कि हाँ मैं माइक ख़रीद लूँ। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो कुछ दिन में आ जाएगा, बट नहीं आ रही है वॉइस तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या फिर बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा है यहाँ पे। तो वैसे बैकग्राउंड नॉइज़ का कोई मसला नहीं है, बट मेरा फ़ोन गिरने वाला है, तो इस वजह से अगर आपको कुछ है दिक्कत वॉइस से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और भी कोई भी आपको हो रही है प्रॉब्लम कि कोई भी क्वेश्चन है आपके, तो प्लीज़ गाइस आपको कमेंट। For more videos, please do like, share and subscribe my channel, guys. Please, आपके प्यार की आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक यूट्यूबर को, तो प्लीज़ आप अपना प्यार सब्सक्राइब करके लाइक करके वीडियो को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, और बहुत नीड है भाई इस चीज़ की, हर यूट्यूबर को होती है, आपको लगता है ना सच में बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में मेहनत नहीं लगती, लेकिन हाँ उस पर काम करने में मेहनत लगती है, चीज़ों को सर्च करने में, बोलने में। और अभी तो बहुत ही बिगनर हूँ मैं, तो थोड़ा सा होती है दिक्कत बोलने में, आपको जो चीज़ें समझ नहीं आती आप कमेंट में प्लीज़ गाइस पूछ लिया करो, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा बिगनर हूँ मैं, अभी मुझे एक महीने भी नहीं हुए हैं अच्छे से वीडियोस बनाते हुए यूट्यूब पे, तो प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मोटिवेशन मिलेगा और सारी वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि इंसान मेहनत करता है तो इतना छोटी सी तो उम्मीद रखता है ना कि आप लोग उसके लिए करोगे, बस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ही करना है, नहीं करना है तो फिर मत करो, कोई दिक्कत नहीं है इतना, ऐसा होता है मुझे पता है, मैं भी वीडियो देखते थे तो क्या भिखारी तरह भीख मांग रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो, ऐसा भी क्या है। अब समझ में आती है कि एक यूट्यूबर के लिए सब्सक्रिप्शन और लाइक का क्या वैल्यू है, कि मोटिवेशन मिलता है बस और कुछ नहीं है, कि इंसान बिगनिंग में ही पैसे के लिए परेशान होता है, भाई पैसे के लिए कोई नहीं परेशान है, बस ये होता है ना कि मोटिवेशन मिलती है कि लोग मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, वो चीज़ आपको अच्छी लगती है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय बाय।